पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। याद रखें, पिछले 2 महीनों से ज्यादा से सीमा हैदर भारत में ही है, नोएडा में ही रह रही है, लेकिन यूपी पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। वो तो जब सीमा हैदर ने अपने वकील को बोला कि उसे आधार कार्ड की जरूरत है अपने बच्चों का स्कूल में नाम दाखिल कराने के लिए, तब जाके यूपी पुलिस को पता लगा कि सीमा हैदर पिछले 50 दिनों से नोएडा में ही रह रही है। उसके बाद भी बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी गई। जब मीडिया में सीमा हैदर पिछले 15 दिनों से छाई हुई हैं, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया चैनल पर जब उनके वीडियो चलने लगे, तब जाके यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो को याद आया कि इसके पीछे ज्यादा बड़ा हाथ भी हो सकता है। और जब तफ्तीश की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, तब ये पता लगता है कि सीमा हैदर का भाई, जो कि एक पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर है, और सीमा हैदर का चाचा, वो भी एक सूबेदार रैंक का ऑफिसर है पाकिस्तानी आर्मी में, जिसकी वजह से ये कहा गया कि इस केस को और सीरियसनेस से और गहराई से देखने की जरूरत है। तब जाके यूपी एटीएस इस केस में कूदी और सीमा हैदर से पिछले 2 दिनों में करीब 17 घंटे की पूछताछ हुई है। हालांकि अभी तक सीमा हैदर ने अपने पहले बयान से किसी भी तरीके से मुकरा नहीं है और उसी बयान पे कायम है कि वो पबजी के द्वारा सचिन मीना के प्यार में पड़ी और उसके बाद वो पाकिस्तान से पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल गई और नेपाल से फिर यूपी के रास्ते होते हुए वो नोएडा आई, नोएडा में जहां उसके सचिन मीना ने उसको वहां से पिकअप किया और फिर वो अपने गांव ले गया। ये स्टेटमेंट जो सीमा हैदर ने दिया है वो अभी इसी स्टेटमेंट पर बनी हुई है, लेकिन जैसे उसके स्टेटमेंट में काफ़ी सारी दुविधाएं हैं, काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो अभी तक नोएडा पुलिस और एटीएस अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से अब एटीएस ने एफएसएल की टीम का सहारा लिया है। सीमा हैदर के पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है, जिस मोबाइल फ़ोन में ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे चैट्स उसमें से डिलीट कर दिए गए थे और काफ़ी सारे इंडियन नेशनल्स के नंबर भी उसमें से मिले हैं, हिंदुस्तानी नागरिकों के नंबर उसमें पाए गए हैं, जिसकी वजह से उसका फ़ोन अब एफएसएल की टीम को दे दिया गया है और उसके बयान को तथ्यों के साथ कोराबरेट करने के लिए अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि सीमा हैदर को अगले कुछ दिनों में यूपी और नेपाल ले जाया जाएगा, जहां उससे पूछा जाएगा कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने उसकी सहायता की और कौन कौन सी जगह थी जहां वो ठहरी। सीमा हैदर यहां अकेली नहीं आई, अपने 4 बच्चों के साथ आई। उसने पुलिस को कहा है कि वो अनपढ़ है और 5वीं फेल है। अगर वो 5वीं फेल है तो उसके पास इतना दिमाग कहाँ से आया कि वो अपना पासपोर्ट बनाए, अपना वीज़ा बनाए और फिर दुबई नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाए। किन लोगों ने उसकी मदद की, किसका हाथ था, कौन उसके पीछे था, ये सारी चीज़ें अभी तफ्तीश का हिस्सा बनी हुई है। 17 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ आज तक हो चुकी है सीमा हैदर की, लेकिन अभी तक ना ही यूपी एटीएस के पास, ना ही नोएडा पुलिस के पास किसी भी तरह का प्रूफ है, कोई फाउल प्ले या कोई बड़े षड्यंत्र का सामने आने का। अब अगले कुछ दिनों में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से आई है और उसकी पूछताछ चल रही है, क्या इसके पीछे सच में कोई बड़ा फाउल प्ले है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ा नेक्सस है, या सीमा हैदर खुद ही प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत तक का इतना लंबा सफ़र तय करके आई और पिछले 50 दिनों से भारत में ही रह रही थी। यूपी एटीएस अभी इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है। यूपी एटीएस के पास भी अभी कोई सॉलिड प्रूफ हाथ में नहीं आया है, जिसकी वजह से वो सीमा हैदर को अरेस्ट कर पाए। नोएडा पुलिस ने पहले के कुछ दिनों में सीमा हैदर को अरेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्दी क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके बाद नोएडा के लोकल कोर्ट ने उसे जमानत दे दी गई थी और सीमा हैदर और सचिन मीना दोनों अपने घर में ही रह रहे थे। वो तो जब मीडिया में बात उछली तब जाकर के हमने देखा कि किस तरह से यूपी एटीएस एक्शन में आई है, बट अभी तक कोई सबूत, कोई नया सबूत उनके हाथ नहीं लगा है। अब यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और उसके पति को एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे, जो कि एटीएस का सेफ हाउस है, वहां पे रखा हुआ है ताकि मीडिया में और बयान ना दिए जाएं, जिससे उनकी केस और पेचीदा ना हो जाए। तो अगले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक होने वाले हैं, अगर इस पूरे केस को देखा जाए, जिस तरह का ये केस सामने निकल कर आया है। क्या सीमा हैदर का वाकई कोई ISI और पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन है, या सीमा हैदर बस अपने प्यार को पाने के लिए सारी सरहदें पार करके भारत में आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप दास के साथ अंशुल सिंह, न्यूज़ 18।